यू व्हाट्सअप गाइस, तो के हाल चाल। तो मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल निंजा आर्मी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा हमारे पबजी मोबाइल लाइट की बेस्ट नंबर वन सेंसिटिविटी, जिसके करने के बाद आप प्रो नहीं महाप्रो प्लेयर बन जाओगे। जैसे कि दोस्तों, हमारे पबजी मोबाइल है उसमें डायनेमो जो सेंसिटिविटी यूज करता है, उस सेंसिटिविटी से बहुत ही अच्छा खेल पाता है। एंड वो सेंसिटिविटी हमारे पबजी मोबाइल लाइट में भी है, बट आप लोग उसका यूज नहीं कर रहे हो। सो गाइस, मैं आपके लिए उसका यूज करना बताऊंगा कि आप लोग कैसे यूज कर सकते हो और कैसे सेंसिटिविटी को सेट करना है और वो सेंसिटिविटी कौन सी है। तो दोस्तों, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और सेंसिटिविटी करना सेट करना ही बताऊंगा। एंड आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने पहले वाले वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, उस वाले वीडियो ने आप लोगों ने पहले दिन में 1K, दूसरे दिन में 2K, तीसरे दिन में 3K ऐसे व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्यार सपोर्ट कर रहा है उस वीडियो को भी, तो इस वाले वीडियो को भी प्यार सपोर्ट इतना ही करना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। इससे क्या होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टॉप 5 कमेंट को शाउट आउट। तो सबसे पहले शाउट आउट जाता है एक्स नॉक्स गेमर, और दूसरा शाउट आउट जाता है अहमद ठाकुर, और तीसरा शाउट आउट जाता है जोश गेमर, और चौथा शाउट आउट जाता है अमन गेमिंग, और पांचवा शाउट आउट जाता है गेम एक्स प्रो पबजी। और आपके लिए भी हमारी वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के टॉप 5 कमेंट में से एक बन जाइए और आपके लिए भी हमारी वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे पबजी मोबाइल लाइट की बेस्ट नंबर वन सेंसिटिविटी के बारे में। तो दोस्तों, उस सेंसिटिविटी का नाम क्या है तो मैं आपके लिए बता दूं जो हमारे पबजी मोबाइल में डायनेमो यूज करता है। सही है, तो दोस्तों मैं आपके लिए दिखा देता हूं वो सेंसिटिविटी। तो दोस्तों, उस जो सेंसिटिविटी है उसका नाम है जायरफ स्कोप सेंसिटिविटी। ठीक है, जायरफ सेंसिटिविटी है जिसे आप लोग अप्लाई करते हो अपने गेम में तो आप बहुत ही अच्छा खेल पाओगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी सेंसिटिविटी है जो आप लोग देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये वाली सेंसिटिविटी है आप लोग अप्लाई करना और क्या क्या करना पड़ेगा आपके लिए, और ये वाली जो सेटिंग आप लोग मतलब कि सेंसिटिविटी अप्लाई कर लेते हो और तो भाई आप लोग कितना अच्छा खेल सकते हो और क्या क्या फ़ायदे होते हैं सेंसिटिविटी से करने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली सेंसिटिविटी है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं वो बता दूँ, उसके बाद एंड आपके लिए बता दूंगा कि सेंसिटिविटी आपके लिए कैसे सेट करना है। ठीक है दोस्तों, ये सेंसिटिविटी है आपको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं सेंसिटिविटी से। जैसे कि आप लोग कभी भी 1KM का जो स्कोप होता है बहुत ज़्यादा हिलता है और वो उसको मतलब जो स्कोप होता है वो आप लोग बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हो। बट दोस्तों, अगर ये वाली आप लोग जो इसका जायरफ सेंसिटिविटी आप लोग यूज करते हो तो आप लोग जो 1KM का जो स्कोप हिलता है तो आप उसे भी रोक पाओगे। ठीक है, और भी यही बहुत सारी गन्स हैं, मतलब वैसे तो भाई 1KM ही गन है जिसका आप लोग स्कोप बिल्कुल नहीं रोक पाते हो। ठीक है, तो ऐसे करके रोक सकते हो। एंड जो 6X है उसका भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रे दे सकते हो बंदूक को। ठीक है, तो बहुत ही मजे वाली मतलब बहुत ही मज़ेदार जो सेंसिटिविटी होने वाली है जायरफ। और भी बहुत सारे फ़ायदे मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप लोग कभी भी आपके अपने सामने कोई भी एक स्क्वाड आ जाती है और स्क्वाड आपके लिए ऊपर रश कर देती है, सो गाइस, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, आप लोग कभी बंदे को मारते हो तो आपके अपने जो थम है ऊपर नीचे मतलब जो स्कोप होता है वो ऊपर जाता रहता है, बट आप लोग थम से नीचे करते रहते हो, बट यहाँ पर ऐसे नीचे करते रहते हो। बट यहाँ पर क्या होता है, जायरफ स्कोप में क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई भी बंदे को अगर मारते हो और सामने बंदा है और अब वो मतलब जो स्कोप है आपको जो थम से नीचे नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि आप लोग जायरफ से बड़े आसानी से उसे रोक पाओगे अगर जायरफ यूज करोगे। तो जायरफ को जो 3X 6X यही होते हैं जो वो बहुत दूर है कि मतलब बंदे मार लेता है। ठीक है, तो इसी से भाई इसको जो रिकॉइल होता है वो आराम से आप लोग रोक पाओगे और
बहुत ही अच्छा स्प्रे दे पाओगे, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी जो होने वाली है वो नंबर वन सेंसिटिविटी होने वाली है। जितनी भी आप लोग अभी आज तक सेंसिटिविटी यूज करी होंगी, तो उससे जो सेंसिटिविटी जो नंबर वन सेंसिटिविटी है वो है हमारी ज़ायरोप स्कोप, ठीक है, मतलब ज़ायरोप सेंसिटिविटी। अगर आप लोग इसे अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा खेल पाओगे। एंड अगर शुरू में आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, एक हफ्ते आप लोग सही से टीडीएम मोड में खेल लेते हो, ठीक है, टीडीएम अगर एक हफ्ते सही से खेल गए और आप लोग ज़ायरोप सीख गए, तो भाई आप प्रो नहीं महा प्रो प्लेयर बन जाओगे। जैसे कि भाई इससे भाई बहुत सारे फ़ायदे और होते हैं, मैं आपके लिए बता देता हूँ, कवर कर देता हूँ इस वीडियो में थोड़े बहुत और, बट वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर जो आप लोग यूज़ करना सीख जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग खेल पाओगे ज़ायरोप स्कोप सेटिंग से यूज करके, ठीक है। तो देखो एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि आपके सामने कोई भी बहुत सारे बंदे मतलब एक स्क्वाड आ जाती है और आप लोग क्या करते हो, वहाँ पर जो अपना थंब होता है इधर उधर करते लगते हो, ठीक है, राइट लेफ्ट ऐसे करते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जैसे ज़ायरोप है, अगर ज़ायरोप सेंसिटिविटी आप लोग यूज करोगे और आपके सामने कोई पूरी स्क्वाड है और आप लोग उसे मारना है पूरी स्क्वाड को, तो क्या करना होगा, आपको जो फ़ोन है फ़ोन को आपके लिए नीचे ऊपर करना होगा, ठीक है, नीचे ऊपर हल्के हल्के करोगे, हिलाओगे फ़ोन को, और फ़ोन जैसे हिलाओगे तो वैसे जो आपको जो थंब यहाँ से थंब लगा कर आप लोग इधर उधर करते हो कैमरा, ठीक है, वैसा नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अगर फ़ोन को अपने हिलाओगे तो फ़ोन को हिलाते ही भाई बंदे सारे के सारे एकदम जो आपका जो जो गन का एमओ होगा वो सबके लिए लगता रहेगा, ठीक है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं ज़ायरोप सेंसिटिविटी, और जो डायनेमो हमारा जो पबजी मोबाइल का डायनेमो है वो हमारी यही सेंसिटिविटी यूज करता है ज़ायरोप की, ठीक है, क्योंकि ज़ायरोप जो सेंसिटिविटी है वो है नंबर वन सेंसिटिविटी। और अपने पबजी मोबाइल लाइट में भी और भी प्रो प्लेयर होंगे तो वो सारे लोग ज़ायरोप की सेंसिटिविटी यूज करते होंगे, ठीक है। दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप लोग अभी सेंसिटिविटी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर कि कैसे लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और कवर कर देता हूं, दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां पर सेंसिटिविटी यूज करोगे तो ये सेंसिटिविटी हर किसी में वर्क नहीं करती है, ठीक है, मतलब हर किसी फ़ोन में वर्क नहीं करती है। सो गाइस जिसके फ़ोनों में वर्क कर जाती है, बस कि बहुत ही जो लो डिवाइस होते हैं शायद उनमें नहीं करती है, बट जिसमें वर्क कर जाएगी तो भाई वो प्रो नहीं भाई महा प्रो प्लेयर बन जाएगा। तो दोस्तों ये सेंसिटिविटी मैंने आप लोगों को बता दी कि कुछ फ़ोनों में वर्क करती है कुछ फ़ोनों में नहीं करती है। दोस्तों अब मैं आपके लिए बता देता हूँ कि भाई ये सेंसिटिविटी आप लोगों के लिए कैसे यूज करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए आ जाना है अपनी सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आने के बाद आपके लिए थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपके लिए यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाएगा जिसका नाम है ज़ायरोप स्कोप, ठीक है। तो ज़ायरोप स्कोप का आपके लिए एक सेटिंग मिल जाएगा, तो ये आपका ऑलवेज ऑन पे होगा, नहीं तो क्लोज पे होगा, ठीक है। बट आप लोगों को यहाँ पर रखना है स्कोप ऑन पे, ठीक है। तो स्कोप ऑन पे आप लोग यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है स्कोप ऑन पे। दोस्तों इसे स्कोप पे ऑन पे रखने के बाद आप लोग चलते हैं सेंसिटिविटी के अंदर। तो दोस्तों सेंसिटिविटी के अंदर आने के बाद आपका ये मीडियम हाई लो कुछ भी होगा, ठीक है, इसे आपके लिए रखना है कस्टम पे, ठीक है, कस्टम पे रख लोगे, ठीक है। कस्टम पे रखने के बाद आप लोगों के लिए अब चलना है अपनी जो ज़ायरोप सेंसिटिविटी है उसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्लाइड करके नीचे आ जाना है, तो आपके लिए यहाँ पर सबसे लास्ट में एक सेटिंग मिल जाएगा जिसका वो सेंसिटिविटी मिल जाएगा जिसका नाम है ज़ायरोप स्कोप सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आप लोगों अब इसे कैसे करना है तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। दोस्तों जो नॉन स्कोप है उसको आप लोगों को रखना है 160, ठीक है, 160 रख लेना है। एंड उसके बाद जो आता है हमारा रेड डॉट, ठीक है, तो इस जो रेड डॉट है इसे हमें कितना रखना है, ठीक है। दोस्तों रेड डॉट है हमें इसे रख लेते हैं 154, ठीक है, 154 भाई इसे रख लेते हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा 2x स्कोप, ठीक है, तो इसे हमें कितना रखना है, सो गाइस इसे हमें रखना है 135, ठीक है, 135 इसे हम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग 135 रख लेना। एंड उसके बाद हमारा आता है 3x स्कोप, तो दोस्तों 3x स्कोप को आपके लिए रखना है यहाँ पर 133, ठीक है, 133 आपके लिए इसे सेलेक्ट करके रख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे 133 कर देता हूँ और आप लोग भी 133 ही रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसे 133 कर लिया। एंड उसके बाद आता है हमारा 4x जिसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, तो 4x आप लोग करना चाहते हो तो कर लेना अपने हिसाब से, बट मैं तो यहाँ पर यूज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बात आती है हमारी अब 6x स्कोप के बारे में, ठीक है, जो 6x स्कोप है वो हमारा यहाँ पर 20 है, मतलब कि 20, तो आपके लिए 20 ही रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 8x स्कोप, तो दोस्तों 8x स्कोप है इसे आप लोग रख लेना है 28, ठीक है, 28 या 26 रख लेना, ये सही चलेगा आपके लिए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका हमारा ज़ायरब स्कोप जो सेंसिटिविटी है वो हो चुका है बिल्कुल एकदम कंप्लीट। और आप लोग भी ऐसे ही कर लेना, एंड अपने हिसाब से आप लोग करना चाहते हो कि अपने हिसाब से जो भी आप लोग रखना चाहते हो तो अपने हिसाब से भी रख सकते हो, बट मैंने जो मेरा सेंसिटिविटी है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि बाद में आप लोग ये ना कहो कि भाई इन्हें अपना सेंसिटिविटी नहीं दिखाया है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए अपना सेंसिटिविटी दिखा दिया और आप लोग भी ऐसे ही कर लेना। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ज़ायरब स्कोप, यहाँ पर आपके जो स्कोप है वो आपके लिए ऑन पे रखना है, ठीक है। ये भाई इसे ऑन मतलब ऑन पर रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसे ऑन पर रख लेना। तो दोस्तों यही थी हमारी ज़ायरब सेंसिटिविटी जिसे आप लोग अप्लाई करते हो, और एक थोड़ा सा आप लोगों को थोड़े दिन तक दिक्कत आएगी, बट उसके बाद आप लोग एक हफ्ते अगर सही से खेल लेते हो तो आपके लिए ज़ायरब सेटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और ज़ायरब यूज़ करो, आप लोग देखते हैं क्या रिजल्ट है, एक हफ्ते बाद क्या रिजल्ट होने वाला है आपका, मेरे को वीडियो में कॉमेंट में बता देना। और दोस्तों जैसे आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को वैसे प्यार सपोर्ट किया है वैसे इस वाली वीडियो को भी करना। और सो गाइस आप लोग उस वाली वीडियो को भी देखना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। इससे क्या होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस। Drop top, drop top, smoking, no cook in the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try no.